हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और फ्रेश वीडियो के अंदर। और आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करेंगे ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट में यूज़ होने वाले मटेरियल की क्वांटिटी के बारे में, यानी कि हम OGPC जो यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वान्टिटी कितनी रहेगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो हाईवे कंस्ट्रक्शन या रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर वर्क करते हैं, उन सारे मेरे इंजीनियर भाइयों के लिए हैं। और कहीं ना कहीं मेरी तरफ से एक छोटी सी हेल्प है, जिन लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं उनको एक थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसे आप देख रहे हो ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट। हम सभी जानते हैं कि ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट फ्लेक्सिबल पेमेंट रोड का एक पार्ट है, और ये सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है, मोस्टली रूरल रोड्स के अंदर यूज़ की जाती है। और इसको अगर हम बात की जाए तो लो ट्रैफिक वॉल्यूम रोड के अंदर इसको सरफेस कोर्स के तौर पे यूज़ करते हैं। ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट का शॉर्ट नेम OGPC होता है। अब OGPC के अंदर अगर हम मटेरियल क्वांटिटी की बात की जाए करें तो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड इंडियन रोड कांग्रेस का स्पेशल पब्लिकेशन 14/2004 के एडिशन के क्लॉज नंबर 3.2 के अंदर इसकी क्वांटिटी के बारे में बताया गया है। तो क्लॉज नंबर 3.2 के अंदर एक टेबल है जो कि हमें बताती है कि जो मटेरियल यूज़ करने वाले हैं उसकी क्वांटिटी को किस तरह से कैलकुलेट किया जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी कैलकुलेशन। तो IRC कोड क्या कहता है कि OGPC के अंदर हम दो तरह का मटेरियल यूज़ करते हैं, एक जो होता है वो 20 mm डाउन एग्रीगेट होता है और दूसरा जो होता है वो 10 mm डाउन एग्रीगेट यूज़ होता है। तो जो 20 mm डाउन एग्रीगेट होता है, 20 mm ISU से 100% पास होता है एंड 11.2 mm सीव पर रिटेंड होता है। और दूसरा हमारा जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो 13.2 mm SIEVE से 100% पास एंड 5.6 mm पर 100% रिटेंड होता है। अब ये तो हो गए मटेरियल की बात, अब ये मटेरियल हमें लेना कितना कितना है। तो हमें अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल पर 10 m², क्योंकि OGPC का जो कैलकुलेशन होता है या पेमेंट होता है कॉन्ट्रैक्टर को वो स्क्वायर मीटर में होता है। तो इसकी थिकनेस 20 mm रखी जाती है, आप सभी को पता है 20 mm थिकनेस के अंदर हमें कितना मटेरियल देना है। उतना मटेरियल अगर निकलता है या फिर एज पर दैट नॉर्म्स, अगर आप नॉर्म्स के हिसाब से उतना मटेरियल और उतना बाइंडर कंटेंट यूज़ करते हैं उस 20 mm की थिकनेस के अंदर, तो वो OGPC सही मानी जाती है और उसी के हिसाब से उसका पेमेंट होता है। यानी कि हम जो OGPC कर रहे हैं उसके अंदर मटेरियल अगर हमारी रिक्वायरमेंट ये है अगर फुलफिल होता है तो OGPC का स्क्वायर मीटर में उसका पेमेंट किया जाता है। तो अब बात आती है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल की, यानी कि हमारा 10 m² के अंदर कितना मटेरियल होना चाहिए। तो जो नॉमिनल साइज 22.4 mm से लेकर के 11.2 तक का जो हमारा मटेरियल है, यानी कि 22.4 से लेके 11.2 तक का जो हमारा मटेरियल है वो कितना होना चाहिए पर 10 m². पॉइंट आपको दिख नहीं रहे होगा, 0.18 m³। यानी कि उस 10 m² एरिया के अंदर अगर मैं मान लीजिए हमारी एक रोड है जिसकी विड्थ 3.75 m है, तो 10 m² के लिए आपका
डिवाइडेड बाय 3.75, तो हमें लेंथ कितनी हुई 2.70, और ये हमारी लेंथ है 2.70 मीटर। तो इस एरिया के अंदर हमारा जो 22 mm डाउन एग्रीगेट है वो कितना होना चाहिए, 0.18 क्यूबिक मीटर होना चाहिए OGPC के लिए। यानी कि ये इस तरह से अगर पूरा एरिया भरा रहेगा, इसके अंदर 0.18 क्यूबिक मीटर मटेरियल हमें लाइन करना है, और 13.2 से लेकर के 5.6 mm तक का जो मटेरियल है वो हमारा कितना होना चाहिए, 0.09 क्यूबिक मीटर। अब ये मटेरियल हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है अगर हम ये 20 mm का ही करेंगे तो इसके अंदर वॉइड्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। 20 mm डाउन जो एग्रीगेट अगर हम यूज़ करते हैं तो इसके अंदर वॉइड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस वॉइड्स को फिल करने के लिए हम ये 10 mm डाउन एग्रीगेट यूज़ करते हैं, जो कि 13.2 से लेकर 5.6 तक की ग्रेड का होता है, यानी कि साइज तक का होता है। अब इस मटेरियल को क्या होता है कि जब हम 20 mm एग्रीगेट करेंगे तो इसके बीच में ये वाला मटेरियल फिल हो गया, उस वॉइड को कम कर देगा, और फिर जो वॉइड्स ओपन रहेंगे उनको हम सील के थ्रू फिल करते हैं। तो आइए देखते हैं ये कितना निकलेगा। अब इसको अगर मैं टोटल करता हूँ तो टोटल कितना मटेरियल हो चुका है अब हमारा, ये 9 + 8 = 7, 1 + 2 = 0.27 m³। यानी कि हमारे 10 स्क्वायर मीटर के अंदर 0.27 क्यूबिक मीटर मटेरियल बिछाना है हमें OGPC के लिए। अब बात आती है बाइंडर कंटेंट की, यानी कि हमारा बिटुमिन। अब हमें बिटुमिन कितना लेना है इसके लिए वो हम देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा लोगों को दिख रहा होगा बिटुमिन। तो जो हमारा ये वाला मटेरियल है कौन सा, 22.4 वाला, 22.4 से लेकर 11.2 तक का जो हमारा मटेरियल, उसके लिए हमें बिटुमिन कितना चाहिए, 52 kg/m³ एंड 13.2 से लेकर के 5.6 साइज तक का जो हमारा मटेरियल है जब यूज़ कर रहे हैं OGPC में, उसके लिए डामर या बिटुमिन कितना होना चाहिए, 56 kg/m³। ओके, तो अब आप देख सकते हो कि हमारा 22.4 से लेकर 11.2, यानी ये मटेरियल कितना है, 0.18 क्यूबिक मीटर। तो बिटुमिन निकालने के लिए हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.18 को मल्टीप्लाई किया तो 52 × 0.18 = 9.4 किलोग्राम्स, और 56 वाला 13.2 से लेकर 5.6 तक का हमारा मेटल की क्वांटिटी कितनी आ रही, 0.09 क्यूबिक मीटर × 0.09 क्यूबिक मीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 5.2 किलोग्राम्स। अगर हम इसका टोटल करते हैं तो ये हमारा है रहेगा 6 × 9 + 4 = 14.6 kg/m² ये भी हमारा पर 10 m² क्वांटिटी। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा एग्रीगेट की क्वांटिटी भी आ चुकी है, प्लस हमारे बिटुमिन की क्वांटिटी भी आ चुकी है। अब अगर हमें 1 किलोमीटर की रोड के लिए क्वांटिटी निकालना है तो 1 किलोमीटर रोड में OGPC की क्वांटिटी कितनी रह जाएगी, ये रहेगी तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं हमारे, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होती है। और मान लीजिए हमारे रोड की जो विड्थ है (3.75 m) है ना, तो इसका स्क्वायर मीटर निकालने के लिए 1 किलोमीटर का 1000 × 3.75 = 3.75
मीटर स्क्वायर है। अब हमारी जो क्वांटिटी निकली है हमारी 10 स्क्वायर मीटर के लिए निकली है, ये भी 10 स्क्वायर मीटर के लिए, ये भी 10 स्क्वायर मीटर, और ये है मीटर स्क्वायर के लिए। अभी हमें इसे वो 10 स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 375 10 मीटर स्क्वायर। अब एक सॉरी 10 मीटर स्क्वायर के लिए इतनी है, तो 375 10 स्क्वायर मीटर के लिए कितनी हो जाएगी, इसके लिए हम करते हैं इसको 375 सॉरी 375 इंटू 0.27 कितना हो जाएगा हमारा, ये 375 इंटू 0.27 101.101.3 मीटर क्यूब, ये हमारा एग्रीगेट है। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। उसी तरह से हम बिटुमेन के लिए निकालते हैं, तो बिटुमेन के लिए हो जाएगा 375 10 स्क्वायर मीटर इंटू पर 10 स्क्वायर मीटर के लिए कितना है 14.6, तो 375 10 स्क्वायर मीटर के लिए कितना हो जाएगा 14.6 इज इक्वल टू 375 इंटू 14.6 5475 किलो ग्राम्स, ये क्या हो जाएगा बिटुमेन। इस तरह से आप देख रहे हो कि हमने 1 किलोमीटर रोड के लिए निकाली, अगर हमें 2 किलोमीटर के लिए 3.5 के लिए निकालना तो हम उसको इससे मल्टीप्लाई करके और बिटुमेन की क्वांटिटी के लिए इससे मल्टीप्लाई करके हम दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो OGPC के लिए, क्वांटिटी के बारे में समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूँगा। और अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।